हेलो हाय व्हाट्स अप, वेलकम टू सिटी का ठेका, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं कह जी की हाल चाल। तो भाई आज के इस वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा, हम टेस्ट करने वाले हैं ये विस्की जो कि एक जापानीज विस्की है। और आजकल इंडिया में ना जापानीज विस्की बहुत ज्यादा चल रही है। अब ये टेस्ट की वजह से चल रही है या स्वैग की वजह से, ये तो आगे पता लगेगा। बट यस, वी गोना टेस्ट दिस सेंटोरी विस्की टोकी। अब इसमें टोकी क्या है, सेंटोरी क्या है, इस सब के बारे में बात होगी। साथ में ये भी बात होगी कि मैं अपने लीवर को ठाक ठीक रखने के लिए क्या करता हूँ, क्योंकि बड़े सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे और सब ये पूछ रहे थे, यार आदि भाई इतनी टेस्टिंग करते हो तो लीवर तो खराब जाता होगा, यार आदि भाई अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हो। सो इसके बारे में भी मैं आगे बताता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सेंटोरी विस्की टोकी। अब इसमें टोकी का मतलब क्या है, इट मींस टाइम इन जापानीज। और ये जो विस्की है ये आती है जापान की फर्स्ट डिस्टिलरी से। सो इसके जो फाउंडर हैं, अब उनका नाम मत पूछना यार, उन लोगों के नाम बड़े मुश्किल होते हैं, हमारी तरह नहीं रमेश महेश सुरेश, आसानी से याद हो जाए। तो उन जो इनके फाउंडर हैं उनका एक डिपार्टमेंटल स्टोर था और उस डिपार्टमेंटल स्टोर में वो बेचा करते थे वाइन, और वहाँ जो पोर्ट वाइन थी वो बहुत पॉपुलर हुई। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उन्होंने कहा जी वाइन वाइन तो बहुत होगी पर हमारे पास एक विस्की भी है। सो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए ही स्टार्टेड हिज ओन डिस्टिलरी इन यामाज़ाकी, व्हिच इज कॉल्ड सेंटोरी यामाज़ाकी डिस्टिलरी। बढ़िया बढ़िया विस्कीज बनी, काम खूब चला, तो उन्होंने एक एक करके और डिस्टिलरीज खोली एंड फाइनली दे हैव 3 डिस्टिलरीज नाउ। और उन तीनों डिस्टिलरीज में जो विस्कीज बनती हैं उन विस्कीज का ब्लेंड है ये टोकी, इसीलिए दिस इज कॉल्ड ब्लेंडेड जापानीज विस्की। है ना इंटरेस्टिंग। अब ये विस्की इतनी इंटरेस्टिंग होगी या नहीं ये चेकआउट करते हैं। देखो हवा भी बढ़िया चल गई है ये बात कहते ही। सो खोलते हैं इस विस्की को और चेकआउट करते हैं कैसी है ये पैले पे, कैसी है ये नोस पे। तो लेट्स डू इट। देखो इस बॉटल का ढक्कन खोलते ही हवाएं चल गई हैं, बाय गॉड, और बहुत अच्छी खुशबू भी आई है। बट बिफोर वी नोज इट, मैं उस बारे में बात करता हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, उन कमेंट्स के बारे में कि यार आदि पाजी अपने लिवर के लिए क्या करते हो, हाउ डू यू कीप इट हेल्दी। मैं खाता हूँ जी फिट लिवर बाय फाइटिका। अब जिसका नाम ही फिट लिवर है वो आपके लिवर को ठाक ठीक रखेगा ही। सो फैटी लिवर की अगर प्रॉब्लम है तो भी आप इसको ले सकते हो, अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हो तो भी आप इसको ले सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये टोटली आयुर्वेदिक है, हर्बल है, सो साइड इफेक्ट वगैरह का कोई पंगा ही नहीं है। दूसरी चीज प्योर वेज है तो उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। और इसमें ना जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एनीवेज आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, आपके डाइजेशन को बेटर करते हैं, आपके लिवर को हेल्दी रखते हैं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। सो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई इट, इसका आप इसको कहाँ से ले सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हो, आपको ठाक ठीक सा बढ़िया सा इनफैक्ट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वैसे कहीं से आप बाहर से लोगे तो ये आपको 1000 रुपए की पड़ेगी 60 टैबलेट्स। आई टेक 2 टैबलेट्स अ डे एंड दैट कीप्स माई लिवर फिट। चलो जी विद दैट नोट अब शुरू करते हैं टेस्टिंग ऑफ आवर जापानीज विस्की जो अब काफी खुल गई है। तो अगर आप इसका कलर देखोगे ना तो बिल्कुल लाइट सा कलर है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिड कलर नहीं है। आई लव दैट थिंग, जब किसी भी विस्की में और ब्लेंडेड विस्की में कलर ना हो तो फिर और मजा आता है। सो ये बिल्कुल इसका नेचुरल कलर है। आपको इसको देख के किसी एक ऐसी चीज की भी याद आ रही होगी जिसकी याद नहीं आनी चाहिए, अगर आप समझ गए तो वेरी गुड, बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू टेस्ट वेल बिकॉज इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो करते हैं इसकी नोजिंग। ओहो वेरी नाइस सर, मतलब जो फर्स्ट नोट जो मुझे आ रहा है वो आ रहा है हनी का, बहुत मीठे मीठे। जब आप हनी निकालते हो या हनी का ढक्कन खोलते हो तो जो खुशबू आती है ना, बिल्कुल सिमिलर खुशबू आ रही है। साथ में मुझे आ रहे हैं नोट्स ऑफ क्रिस्पी एप्पल्स, बट जो मेन नोट है, जो मेन खुशबू आ रही है वो आ रही है ऑफ हनी। अब इंतजार नहीं हो रहा, फटाफट से इसका सिप लेते हैं और देखते हैं पहले पे कैसी है। सो चीयर्स, दैट्स आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ जापानीज विस्की ऑन सिटी का ठेका। सो चीयर्स। अरे बाप रे, धोखा। एक्चुअली इसका कलर देख के मुझे लगा था माइल्ड सा कलर है सो माइल्ड सी होगी, लेकिन ये माइल्ड नहीं है भाई साहब। इसने मेरी कितनी 6 इंद्रियां होती है ना तो 5 होती हैं, जितनी भी होती हैं सारी इंद्रियां खोल दी हैं। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पंजेंट, मुझे लगा था ये बहुत सॉफ्ट होगी। एक एक से पॉन लेता हूँ।
स्ट्रांग है भी। मुझे लगता है ये जापानी लोग भी ना, हम पहाड़ियों लोग जैसे होते हैं, उनको स्ट्रांग विस्की हम बड़ी पसंद है भाई। हम पहाड़ियों को तो बहुत पसंद होती है स्ट्रांग विस्कीज, बट दिस विस्की इज रियली स्ट्रांग। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, शायद इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी रियली रियली स्मूथ एंड वेरी लाइट। I am getting that burn on my chest, on my throat, on my nose, of course on my palate. वो हनी वाले notes आ रहे हैं मुझे, लेकिन बहुत strong notes of spices भी आ रहे हैं। So it's a good blend, but it's really a hard blend. सच बताऊँ, whiskey का taste अच्छा है, लेकिन whiskey strong बहुत है। और शायद इसीलिए मुझे लगता है जो Japanese लोग हैं वो highball whiskies पीते हैं, यानी एक लंबे से glass में अपनी 30 या 60 ml whiskey डालते हैं, फिर उसमें आइस डालते हैं और उसमें सोडा डालते हैं। तो जापानीज विस्की या जापानीज लोग जनरली अपनी विस्की सोडे के साथ प्रेफर करते हैं, या फिर जिंजर एल के साथ। सो आई गेस इसको भी हमें सोडे या जिंजर एल के साथ ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ट्राई करो तो सोडे के साथ ट्राई करना। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सोडे के साथ विस्की नहीं पीनी चाहिए, इस विस्की को आप पी सकते हो, बिकॉज अदरवाइज इट्स रियली स्ट्रॉन्ग। एक सिप और लेते हैं। तो यार लाइफ में कई बार ना आपको किसी चीज़ से सरप्राइज मिलता है, किसी चीज़ से शॉक मिलता है। इस सेंटोरी टोकी से मुझे शॉक मिला है, बिकॉज मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसका इतना पंजेंट फ्लेवर होगा। वो 15-20 ml मैंने पिया है, उसी से मैं काफ़ी हिल चुका हूँ। इट इज़ प्योर अल्कोहल, 43% अल्कोहल है इसमें, बट वो जो इसकी फील है ऐसा लग रहा है 46-45, मतलब मोर देन 50% अल्कोहल होगा इसमें। अगर आपने ट्राई की, आपका सेम एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताना। और अगर नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि हल्का सा नीट पी के देख लेना, बट ट्राई इट विद सोडा या फिर जिंजर एल, जिसमें थोड़ी आइस वाइस डाल देना, जैसे जापानी लोग पीते हैं। ठीक है जी, विद दैट नोट अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बता देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डन है जी। बाकी एज आई ऑलवेज से, प्लीज ड्रिंक टेस्टफुली, प्लीज एंजॉय रिस्पॉन्सिबली, नेवर 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 ड्रिंक एंड ड्राइव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, आदि कह रहा है, ओके बाय।